हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर, जो कि विदाउट नेट जेआरएफ वालों के लिए है। आपको पता होगा, नेट जेआरएफ करने के बाद आप अगर पीएचडी करते हैं तो 40 to 45 thousand देखा जाए पर मंथ 5 ईयर के लिए आपको फेलोशिप मिलता है। लेकिन अगर नेट जेआरएफ आप नहीं है तो भी बहुत सारे फेलोशिप प्रोग्राम है जिससे आप बेनिफिट लेके अपने रिसर्च वर्क को देखा जाए और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले चला जाए आपके सबसे टॉप फेलोशिप प्रोग्राम के ऊपर और वहाँ पे चल के डिस्कस करते हैं। तो आपका सबसे बड़ा देखा जाए एक फेलोशिप प्रोग्राम है, अगर जो लोग पीएचडी करते हैं उनके लिए है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MANF के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, यह अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए आता है और नेट GRF जो नहीं होते हैं, और फुल आपका देखा जाए टाइम रिसर्च आपका वर्क करते हैं उनके लिए ये आपका फेलोशिप प्रोग्राम है। आपको बता दें, जिनकी आय जो है इनकम 6 लाख से कम है पर एनम का ईयर का, उनको ये फेलोशिप दिया जाता है। एंड ये फेलोशिप का देखा जाए लाभ 5 ईयर तक आप ले सकते हैं एंड 28,000 पर मंथ फेलोशिप आपको दिया जाता है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, वही ये प्रोग्राम संचालित करता है। साथ में अब बता दें कि कुछ एरिया हैं जहां से आप पीएचडी करते हैं तभी इसका लाभ उठा पाएंगे, जैसे साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस एंड ह्यूमनिटीज, इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स में अगर पीएचडी करते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। सेकेंड देखा जाए, एक महत्वपूर्ण आपका फेलोशिप है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि इसमें आपको 18,000 पर मंथ आपको देखा जाए फेलोशिप मिल जाएगा, जो कि 2 ईयर के लिए वैलिड होगा, 2 साल के लिए वैलिड होगा। और जो UGPG में 60% जिनका मार्क्स हो वो अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। और एरिया जो रहेगा वो रहेगा साइंस, फिलोसफी और ह्यूमनिटीज़ के जो अंतर्गत आने वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए ये फेलोशिप का प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड सबसे बड़ा देखा जाए फेलोशिप प्रोग्राम आपका आता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जो कि हम PMRF के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा फेलोशिप प्रोग्राम है। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको 75,000 देखा जाए स्टार्टिंग के 2 ईयर्स के लिए फेलोशिप मिलता है। अगले नेक्स्ट ईयर के लिए 75,000 से 18,000 के आसपास आपका हो जाता है। नेक्स्ट 4 ईयर एंड 5 ईयर के लिए 80,000 से 1 लाख तक आपका पर मंथ फेलोशिप आपको मिल जाता है। आपको बता दें, इसके लिए जो एरिया रहेगा वो रहेगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन के एरिया में अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इनिबिशन फेलोशिप प्रोग्राम अगर देखा जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, इससे भी स्टूडेंट फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें आपको देखा जाए तो 5,000 पर मंथ आपको मिल जाता है फेलोशिप। और साथ में आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट ईयर पीएचडी करते समय नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं तो आपको 10,000 आपको ये कर दिया जाता है ये फेलोशिप, और ये 2 ईयर के लिए देखा जाए 2 यानी 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। आपको बता दें कि सेकेंड ईयर से अगर आप नेट जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो इस फेलोशिप की जो होता है आपका रकम वो 50% लेस हो जाता है। साथ में PMRF के तहत आपको अगर कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपका फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप है, ये आपको 6 to 9 month के लिए वैलिड होता है। आपको बता दें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपका CS, मशीन लर्निंग, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में जुड़े हुए सब्जेक्ट से अगर पीएचडी करते हैं तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये आपको बता दें कि इंडिया में आप रिसर्च वर्क संचालित वर्क में जुड़े हुए हैं और फॉरेन या USA में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस फंड से रकम आपको मिलता है, और $40,000 तक आपको इससे रकम मिल जाता है पर ईयर के लिए। इसके अलावा गूगल PhD फेलोशिप प्रोग्राम इंडिया, ये भी आपका एक देखा जाए तो फेलोशिप प्रदान करने का एक और विकल्प है, जिसमें $50,000 US आपको मिल जाता है अगर आप CS से PhD करते हैं, कंप्यूटर साइंस से PhD करते हैं तो आपको इस फेलोशिप का लाभ मिलेगा। साथ में गूगल के साथ वर्क करने का भी आपको मौका मिलेगा। ओके, इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुक्रिया।